It is next lecture on electrochemistry. Now here we will discuss about the reference electrodes and dry cell. What is the meaning of reference electrode? A reference electrode is defined as an electrode whose potential is arbitrarily taken as zero or exactly known. That is known as reference electrode. And there are two types of reference electrodes, primary reference electrode and secondary reference electrode. The potential whose electrode is exactly equal to zero is called a primary reference electrode. For example, standard hydrogen electrode. Short may, it is also known as SHE. The potentials of secondary electrodes are determined using standard hydrogen electrode. For example, Calumet electrode, silver chloride electrode and glass electrode. These are secondary electrodes. जो secondary electrodes रहेंगे, पहले इनका potential find किया जाएगा by combining it with standard hydrogen electrode. इसका potential zero. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के साथ जब इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन करेंगे देन इट विल फॉर्म अ कंप्लीट सेल एज द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज जीरो देयरफॉर द सेल पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दैट पोटेंशियल विल रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दीज इलेक्ट्रोड्स आर यूज एज सेकेंडरी रिफरेंस इलेक्ट्रोड्स. इसका एग्जाम्पल है कैलोमल इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रोड्स. नाउ व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एप्लीकेशंस डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. सो हियर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक दो और तीन मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है. एक मार्क का क्वेश्चन सेक्शन ए में, सेक्शन बी सी डी हर एक में इसके क्वेश्चन बनते हैं ये. नाउ व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम प्लेट कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स. जो प्लैटिनम ब्लैक है, दिस प्लैटिनम ब्लैक, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्लोरोप्लैटिनिक एसिड. जब रिडक्शन का प्रोसेस होगा तो एक ब्लैक कलर का प्लैटिनम डिपॉजिट होगा कैथोड पर. एट दैट टाइम इट इज नोन एज प्लैटिनम ब्लैक एंड इट इज यूज्ड टू कोट द प्लैटिनम प्लेट. इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया. देयरफॉर हियर वी विल यूज अ प्लैटिनम प्लेट कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक विच इज used as the electrode. It is the figure of standard hydrogen electrode. It is the platinized platinum plate. Platinum plate है और उसके ऊपर platinum black की coating की गई है. It provides large surface area. ठीक है, for the adsorption of these ions. Therefore here platinized platinum plate is used. This plate is connected to external circuit through sealed narrow glass tube containing mercury. ये mercury है. It is narrow glass tube. It consists of the wire, external circuit, और यहाँ पे ये copper wire लिया गया है. And it is sealed by using mercury. Then it is surrounded by an outer jacket. ये आउटर जैकेट है. इट इज मेड बाय ग्लास, देयरफॉर इट इज नोन एज ग्लास जैकेट. द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड इन 1 mole H+ आयन सॉल्यूशन. ये जो प्लैटिनम प्लेट है, इट इज इमर्स्ड इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इट इज इमर्स्ड इन 1 mole H+ आयन सॉल्यूशन. HCl ले सकते हैं, HNO3 लाइक दिस. तो H+ आयन सॉल्यूशन यहाँ पे लेना है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 mole रहेगा. The solution is kept saturated with dissolved hydrogen by bubbling hydrogen gas under 1 atmosphere pressure through the side tube of the jacket. It is the glass jacket. It is the side tube of the jacket. Through this opening, pure and dry hydrogen gas at 1 atmosphere pressure is bubbled. Now, platinum does not take part in the electrode reaction. Therefore, it is an inert electrode.
एंड सर्व्स एज द साइट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. प्लेटिनम क्या करेगा? इट सर्व्स एज द साइट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. इट इज़ द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में जब आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है H प्लस आयन, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन ये दिखाना कंपलसरी है, और ये प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमोसफियर प्रेशर. ठीक है, ये लेबलिंग में ये दोनों दिखाना कंपलसरी है. और फिर यहाँ पे जो फिगर आप ड्रॉ करेंगे उसका मार्क रहेगी, और फिर ये करेक्ट लेबलिंग की मार्क रहेगी. सो इट इज़ अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. एच प्लस आयन विच इज ऑफ 1 मोल. इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ हाइड्रोजन गैस हुज प्रेशर इज 1 एटमोसफियर एंड इट इज बबल्ड. इट इज़ बबल्ड अबाउट द प्लेटिनम वायर. ठीक है, ये जो प्लेटिनम है इट इज़ एट एक्सट्रीम राइट साइड. इट इज़ प्योर मेटल. ये राइट साइड में है. इसका मतलब इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैथोड. अगर हम इसको पलट के लिख देंगे, पलट के लिखेंगे मतलब प्लेटिनम इन कॉन्टैक्ट विथ H2 गैस एट वन एटमोसफियर प्रेशर इन कॉन्टैक्ट विथ H+ आयन 1 मोल. इट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोड. ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैथोड. दिस प्योर मेटल इज एट एक्सट्रीम राइट साइड. इसको जब हम पलट के लिखेंगे तो ये जो प्लेटिनम मेटल रहेगा इट विल बी एट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड. एट दैट टाइम इट विल सर्व एज द एनोड. और एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा. एज इट इज कैथोड देयर फॉर रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज रिटन ओवर हियर. इट इज द इलेक्ट्रोड रिएक्शन. आप कैथोड का रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे. अगर आप एनोड लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे. दोनों सही रहेगा. अब इसका जो फंक्शन रहेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, के ये कैथोड के तौर पे लेंगे हम, काम करेगा के एनोड के तौर पे. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ अदर इलेक्ट्रोड विथ विच इट इज कनेक्टेड. ठीक है, नाउ हियर कैथोड का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है. देयर फोर दिस रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज रिटन ओवर हियर. इट्स पोटेंशियल इज 0.000 वोल्ट. 0 वोल्ट भी आप लिखेंगे तब भी सही रहेगा. सो इट इज कैथोड एंड इट इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इट इज द एप्लीकेशन. देखो एप्लीकेशन में क्या रहेगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स. प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब है हुज पोटेंशियल इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो. दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर मालूम करना है एट दैट टाइम वी विल यूज वन इलेक्ट्रोड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और फिर दूसरा इलेक्ट्रोड जो भी हमको लेना रहेगा. नाउ टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ, सपोज हमने यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया है, इसको हमने कंबाइन कर लिया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से. नाउ अब ये है ये सेल, ये एक कंप्लीट सेल बन गया. इट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. जो भी सेल रहेगा गैल्वेनिक सेल, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स. इट इज 1 हाफ सेल, इट इज अदर हाफ सेल. दीज 2 हाफ सेल्स आर ज्वाइंड बाय सॉल्ट ब्रिज. ये सॉल्ट ब्रिज है. ये हमने जिंक स्ट्रिप लिया, उसको हमने 1 मोल ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप कर लिया. इट इज एनोड एंड दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सर्व्स एज कैथोड. ये कैथोड के तौर पे काम करेगा और जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये एनोड के तौर पे काम करेगा. अब दिस जिंक यहाँ पे लिखा हुआ है Zn+2 इन कॉन्टैक्ट विद Zn इन सॉलिड स्टेट. यहाँ पे हमने लिखा है Zn इन सॉलिड स्टेट इन कॉन्टैक्ट विद Zn+2. दिस प्योर मेटल इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, देयरफॉर इट सर्व्स एज एनोड. हियर प्योर मेटल इज एट एक्सट्रीम राइट साइड, देयरफॉर दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सर्व्स एज कैथोड. इसके ऊपर रिडक्शन का रिएक्शन और जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन.
Therefore, the standard cell potential E0 of cell is measured. E0 of cell is equal to E0 of H2. H2 लिख सकते हैं आप, राइट हैंड इलेक्ट्रोड लिख सकते हैं, कैथोड लिख सकते हैं, माइनस E0 ऑफ ZN लिख सकते हैं आप, एनोड लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड लिख सकते हैं. एज E0 ऑफ H2 इज जीरो, देयरफॉर E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस E0 ऑफ ZN. दस द मेजर्ड EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड. जो पोटेंशियल सेल का आएगा इट विल बी द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दैट अनदर इलेक्ट्रोड. SHE का पोटेंशियल जीरो, अभी जो सेल का पोटेंशियल आ जाएगा दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड. सो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. नाउ व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन सेटिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. It is difficult to obtain pure and dry hydrogen gas. The pressure of hydrogen gas cannot be maintained exactly at one atmosphere throughout the measurement. The concentration of H+ ion solution cannot be exactly maintained at one mole. Maintained hai, it is maintained. Due to bubbling of gas into the solution, evaporation of water may take place. This results in चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. एवेपोरेशन जब होगा इसका मतलब सॉल्वेंट का एवेपोरेशन होगा. एट दैट टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड सोल्यूशन विल बी चेंज्ड. सो दीज आर द डिफरेंट डिफिकल्टीज इन सेटिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अब ये ग्लास इलेक्ट्रोड है, इट इज नॉट हैंडी, और आसानी से हम ये इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं. It is not portable. So these are different difficulties in setting standard hydrogen electrode. Now, galvanic cells useful in day-to-day life. Galvanic cells in common use can be classified as primary and secondary cells. Primary voltaic cell is the cell in which the chemicals are completely consumed. सेल रिएक्शन स्टॉप, द सेल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड. और दूसरा डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, दीज सेल्स कैन नॉट बी रिचार्ज्ड. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी वोल्टाइक सेल, आपका आंसर रहेगा दीज सेल्स कैन नॉट बी रिचार्ज्ड. व्हाट डज इट मीन, वंस द केमिकल्स आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड द सेल रिएक्शन स्टॉप्स, द सेल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और दीज सेल्स कैन नॉट बी रिचार्ज्ड. फॉर एग्जाम्पल ड्राई सेल. सेकंड टाइप ऑफ सेल इज सेकेंडरी वोल्टाइक सेल्स. इन दिस सेल द केमिकल्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग करंट जनरेशन कैन बी रीजनरेटेड. और द वोल्टाइक सेल्स विच कैन बी रिचार्ज्ड आर कॉल्ड सेकेंडरी वोल्टाइक सेल्स. फॉर एग्जाम्पल लेड स्टोरेज बैटरी, मर्क्यूरी सेल, निकेल कैडमियम सेल. These are different examples of secondary voltaic cells. Now, here we will discuss about the dry cell. It is the dry cell, or it is also known as Leclanché cell. It is a cell without liquid component, but the electrolyte is not completely dry. It is a viscous aqueous paste. जो ड्राई वर्ड आया है इसमें लिक्विड कंपोनेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये ड्राई वर्ड आया है. जो इलेक्ट्रोलाइट है इट इज इन द फॉर्म ऑफ विस्कस एक्वियस पेस्ट. कंस्ट्रक्शन है, ये फिगर यहाँ पे दी है. द कंटेनर ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ जिंक. ये जो कंटेनर है बाहर का कंटेनर, इट इज मेड अप ऑफ जिंक विच सर्व्स एज एनोड. ये एनोड, ये निगेटिव एंड. It is lined from inside with porous paper. जो अंदर की लाइन है ये अंदर की लाइन. It is a porous paper. क्यों porous paper use किया गया है? To separate it from other material of the cell. जो अंदर का material है उसको zinc container से separate करने के लिए the cell is lined with a porous paper. Then an inert graphite rod. It is the graphite rod.
inert graphite rod in the center of the cell, immersed in the electrolyte paste, which serves as a cathode. यहाँ पे कैथोड का रिप्रेजेंटेशन, इट इज पॉजिटिव एंड इट इज सराउंडेड बाय, किससे सराउंडेड कंडीशन में रहेगा, बाय अ पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, बाय अ पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक. ये ग्रेफाइट, इट इज सराउंडेड बाय मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक एंड द रेस्ट ऑफ द सेल, ये जो बाकी की जगह है, द रेस्ट ऑफ द सेल इज फिल्ड विथ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड. यहाँ पे मॉइस्ट पेस्ट बनाया जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को मिक्स करके, इसको बाकी के ये पोर्शंस में फिल कर देना रहेगा. और सम अमाउंट ऑफ स्टार्च इज ऑल्सो एडेड टू मेक द पेस्ट थिक. पेस्ट को और थिक करने के लिए कुछ अमाउंट में यहाँ पे स्टार्च ऐड कर दिया जाएगा. सो इट इज द कंस्ट्रक्शन, द सेल इज सील्ड एट द टॉप टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ पेस्ट बाय एवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर. यहाँ पे जो सेल टॉप रहेगा इसको सील कर दिया जाएगा. यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रास कैप. इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल. क्या क्या है यहाँ पे, ये तो जिंक कंटेनर है और जो मॉइस्ट इलेक्ट्रोलाइट है MnO2 इन कॉम्बिनेशन विथ कार्बन, इट इज सराउंडेड बाय अ विस्कस पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2. ये फिगर ड्रॉ करेंगे आप, यहाँ पे लाइन से जैसे लिखा है फौरन ये याद हो जाता है ये. सो इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल. नाउ द सेल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द ड्राई सेल. ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड जिंक कंटेनर सर्व्स एज एन एनोड. Therefore, zinc in solid state, it will convert into Zn+2 ion by losing 2 electrons. Reduction at cathode. जो अमोनियम क्लोराइड है उसमें का NH4+ आयन, it will gain 2 electrons. It will change into NH3 in aqueous form plus hydrogen gas is liberated. This hydrogen gas is combined with MnO2. ये जो MnO2 है ये H2 गैस के साथ कंबाइन होगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Mn2O3 इन सॉलिड स्टेट प्लस H2O इन लिक्विड स्टेट. H2 का कोरोजिव नेचर है तो यहाँ पे ये जो MnO2 है H2 के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे Mn2O3 बना लेगा और H2O बना लेगा. तो जो कोरोजन का जो यहाँ पे चांस रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा. Then net reduction reaction at cathode is the combination of these two reactions. Cathode में ये दोनों reaction का combination, it is the combination of these two reactions. Now net cell reaction, oxidation reaction, reduction reaction दोनों को add कर देंगे हम. We will get Zn+2 plus Mn2O3 plus 2NH3 in aqueous form plus H2O in liquid state. यहाँ पे अपने पास है Zn+2 और NH3+, Zn+2 और NH3+, these will combine with one another and form a complex ion. ये complex ion बना लेगा ये. So these are the cell reactions, oxidation reaction, reduction reaction, net cell reaction. सिर्फ reaction पे भी यहाँ पे question बनता है. Only write the cell reactions taking place in the dry cell. इसके uses में लेते हैं हम. Uses of the dry cell. It is used as a source of power in flashlight, portable radios, tape recorders, clocks and so forth. जो cell हम लगाते हैं घड़ी में, that is the dry cell. और हमको मालूम है कि जब ये एक मर्तबा cell खराब हो जाता है तो इसको हम reuse नहीं करते हैं, उसको हम फेंक देते हैं. इसका मतलब क्या है, It cannot be recharged. So it is all about the dry cell. 1, 2, or 3 mark का question इसके ऊपर बनता है. Okay? ठीक है. Thank you.